आज अपन टॉपिक कर रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आज का एक मेन इशू बनया हुआ है। ठीक है, अज अपने एनवायरमेंट दे विच की है पोल्यूशन वध तो वध क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उस पोल्यूशन करके अपन नु कितनी दिक्कत आ रही है, तो ये अपनी की है स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट जड़ा हैगा टॉपिक है। ठीक है, इस दे ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये हुंदा की है, मतलब ना पोल्यूशन नु आपा किवें डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, इन विच की हुंदे कॉन्टेमिनेंट्स हुंदे है। ठीक है, नेचुरल मतलब ना जो भी एनवायरमेंट च आपा रहने हैं, है ना, उन्दे विच कुछ कॉन्टेमिनेशन हो जाती है, मतलब कुछ इदा दियां चीजा मिक्स हो जाती है जो अपने लिए सही नहीं हुंदियां, है ना, मतलब कुछ हार्मफुल जड़ियां गैसेस है, जिवें एयर दे विच आ गया तो आपां नूं की है साह लैण च दिक्कत आऊगी, है ना, दैट कॉज एडवर्स चेंज। ठीक है, जिस नाल कि अपना बहुत ही बुरे तरीके नाल जड़ा कि एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। देखो यहाँ तक पोल्यूशन की है किसी केमिकल फॉर्म दे विच चेंज हो जाता है, और ए किसी एनर्जी, जिवें देखो पोल्यूशन दी फॉर्म है नॉइस। ठीक है, जदों जिथे साउंड की है ज्यादा हुंदी है, ठीक है, उथे भी की है मतलब की है, हुन तां चलो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने कि आपां रात नूं मतलब नाइट टाइम ज्यादा टाइम मीन्स 10 o'clock तो बाद आपां की है नॉइस की है क्रिएट नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है, कुछ रूल्स हैगे ने। ठीक है, जिवें हीट है अपना एनवायरमेंट की है, हीट एंड लाइट करके की है ज्यादा ही गर्म हो रहा है। ठीक है, हीट इंक्रीज हो रही है एनवायरमेंट दे नाल। ठीक है, तो ये सारे की है अपना की है एक तरह का पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीजा ने। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब ये अपने एनवायरमेंट दा ही की है पार्ट है, मतलब कंपोनेंट्स है पोल्यूशन दे। देखो ये जेडे कंपोनेंट है कितों आंदे, या तो ये कोई फॉरेन सबस्टांस है मतलब बाहरों आंदे हैगे मिक्स हो जाते हैं, या ये कुछ विच की है नैचुरली होंगे ही है। ठीक है, तुसी देखो जिवें आपां मिनरल्स वगैरह नु एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हां दे विच ऑलरेडी कुछ की होंगे है इम्प्योरिटीज एड होंदियां ही होंदियां। ठीक है, वो तो चलो नैचुरली होंदियां, उन्हां नु आपां की है पूरा साफ करके फिर आपां और तो की है कोई मिनरल वगैरह बाहर कढ़दे हैं। ठीक है, तैयार करते हैं, इदां हुंदा है। कुछ हुंदा है कि मिक्स हो जांदियां, जिवें तुसी वाटर देखो, वाटर पोल्यूशन किवें हुंदा है, कोई रिवर है, ठीक है, रिवर तो की है पानी वगैरह आ रहे हैं, तो उन्दे विच आके कुछ होर चीजा जिवें लोकी करते हैं प्लास्टिक बैग्स या कुछ होर सुट देंगे विच, इन्दे करके की है इदां दे फॉरन सबस्टांसिस की है तुहाडे वाटर दे विच एड हो जाते हैं, तो वह अपने तक जो वाटर पहुंचता है वह की हुंदा है कॉन्टेमिनेटेड हुंदा है। ठीक है, वह पूरा साफ नहीं हुंदा गा। नेक्स्ट है व्हाट इज पोल्यूटेंट। हुने पोल्यूटेंट हुंदे की है एनी सब्सटेंस कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, जो कोई भी इदां दी चीज जिदे नाल के अपने ते बहुत ही माड़ा इफेक्ट पै रहा है उन्हों बोलते हैं हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, अनईजीनेस क्रिएट हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिजम ते, है ना। ऑर्गेनिजम्स की होंगे है दो तरह के होंगे है, लिविंग भी होंगे है एंड नॉन लिविंग भी होंगे है। ठीक है, लिविंग विच तो जिवें आप आ गए, ठीक है, अपना लिविंग है एनिमल्स वगैरह भी की लिविंग है, प्लांट्स नो भी आपा की है लिविंग ची कह सकते हैं, क्योंकि वो भी की करते हैं ऑक्सीजन नो की है रिलीज करते हैं एंड की करते हैं बाहर, मतलब की है अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ऑक्सीजन गेन करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नो ए एब्जॉर्ब कर लेंगे है। ठीक है, जिमें मतलब आपा की करते हैं आपा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ओ टू की है उन्हों आपा गेन करते हैं। ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर सबस्टांस मे बी कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। देखो जो हार्मफुल सबस्टांसिस होंगे है उन्होंने आपा पोल्यूटेंट कहते हैं, तो इनका मतलब ये है कि ये अपनी हेल्थ दे लिए की है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। हुण देखो ये किन्ने तरह के होंगे है, द वेस्ट मटीरियल्स दैट कॉज पोल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। देखो जड़े वेस्ट मटीरियल है जिन्हें करके पोल्यूशन होंगे है वो दो तरह के होंगे है। देखो एक तो होंगे है परसिस्टेंट, एक होंगे है नॉन परसिस्टेंट। हुण परसिस्टेंट देखो की होंगे है दैट रिमेन इन द
in an unchanged form for a long time. देखो इन्हां दी form change ही नहीं हुंदी लंबे समय तक, मतलब long time तक ये persistent हुंदे है, ठीक है, इन्हां दे विच कोई change नहीं हुंदी। जिवें दी तुसी for instance मतलब example ले सकते हो, जिवें plastic वगैरह, ठीक है, इन्दे बारे तुहानू पता ही होगा जिहड़ा plastic है ना ओह की है गलदा नहीं है, ठीक है, यह decompose नहीं हुंदा गा, decompose नहीं हुंदा, decompose इन्हां नू कौन करदे है, छोटे छोटे organisms हुंदे है जिहड़े के मान लो इन्हू खा जांदे या कुछ भी है, ठीक है, उहदे करके decompose नहीं हुंदा प्लास्टिक, जिवें pesticides होवे ये भी नहीं हुंदे, एंड न्यूकलियर वेस्टेस वगैरह, ठीक है, ये सारे persistent pollutants ने, ठीक है, जो कि अपने लिए टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा अपने लिए की है डेंजरस है। एंड सेकेंड है कि नॉन परसिस्टेंट, देखो नॉन परसिस्टेंट केड़े हुंदे, दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट जेड़े हुंदे है परसिस्टेंट ये ब्रेक डाउन नहीं हुंदे, ठीक है, ये वाले ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब कह लो कि डीकम्पोज हो जाते हैं, डीकम्पोज होके ही एक ही एक सिंपल कंपाउंड्स बना देंगे या प्रोडक्ट बना देंगे, जिवें मान लो गारबेज है, हुण तुहाडे देखो गारबेज दे विच की कुछ आ जाता है, गारबेज जिवें हुंदा है तुहाडा ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੋਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਇਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਿਡ ਬਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੈਨ ਸੱਚ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਆਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓ ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਨ ਬਾਇਓ ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ CO2 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ CO2 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੈ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਾਰੇ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ CO2 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਇਨਟੂ ਸਪੇਸ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ CO2 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CFC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CFC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਨਫਰਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਸ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ AC ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਓਡਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਨਸੈਕਟ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CFC ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਗੈਸ ਹੈਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਡੈਮੇਜਡ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ, ਦੇਖੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ
ग्लोबल वार्मिंग ग्रेट होने करके आपां नूं काफी प्रॉब्लम्स फेस करनियां पै सकदियां, ठीक है। जिवें मतलब गर्मी ज्यादा हो गई तां माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन हैम्पर्ड हो जाणगे, ठीक है। मतलब उन्हां दी माइग्रेशन ते इफेक्ट पाऊगा, जिवें बर्ड्स के एक जगह तो दूजी जगह अपनी की है सीजन दे अकॉर्डिंग जिहड़ी है प्लेस चेंज करदे आ, ठीक है। प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रीचिंग देम, मतलब वो अपने सीजनल मेट्रोपोलिटन डेस्टिनेशन ते नहीं पहुंच सकनगे, ठीक है। तां ओ जिथे है या उथे रह जाएंगे या उन्हां दी कोई प्लेस नहीं होएगी, ठीक है। एदा उन्हां दी माइग्रेशन ते की है, बर्ड्स दी माइग्रेशन ते की है इफेक्ट पैंदा है।